तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं सोनी का लैपटॉप है। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद हम इसमें वो ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखते हैं। इसमें जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ब्लूटूथ किस तरीके से कनेक्ट करना है या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो के लास्ट तक दिखाऊंगा और आप इसमें वीडियो के लिए देखते रहें। तो चलते हैं, हम इसका जो पासवर्ड है वो हम डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम इसका जो ब्लूटूथ है वो ड्राइवर कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ इस जगह पे आएंगे, तो यहाँ तो दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, दिखा नहीं गया है और हम ये इसे क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद यहाँ देखते हैं ब्लूटूथ ड्राइवर दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ तो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ जाते हैं हम, यहाँ जाने के बाद हम यहाँ सर्च करते हैं ब्लूटूथ। तो ये आ रहा है, यहाँ से हम अगर कनेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ ऑलरेडी एक नाम दिखाता है, सो नाम शो करता है। तो डिटेक्टिंग प्रॉब्लम को हमने किया है। डिटेक्टिंग प्रॉब्लम यानी कि आपका जो ड्राइवर होता है तो डिटेक्टिंग प्रॉब्लम चेक हो जाते हैं। फिर से क्लोज कर देना है, तो फिर से हम यहाँ जाएंगे। उसे भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ एक डिवाइस का नाम शो कराता है, तो उसमें अभी दिखा नहीं रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो इसका जो ब्लूटूथ का जो इसे हमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो इसे हमें खोलना ओपन करना होगा। तो इसे खोलने के बाद आप खुद ही कर सकते हैं, तो हम इसे स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद फिर हम देखते हैं इसे हार्डवेयर इशू होता है, तो इसमें पूरा लैपटॉप खोलना पड़ेगा। लैपटॉप को पूरा खोलना होगा, तो इसके जो लॉक दिए हैं इसे इस तरीके से खींचना, फिर इसे रैम वाले को इस तरीके से खोल लेना। बाकी हमने जो भी पेज है खोल लिए, क्यों वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो उसकी वजह से सारे पेज खोल लिए। इसे इस तरीके से निकाल लेना, फिर इसे डीवीडी राइटर को भी निकाल लेना। डीवीडी राइटर निकालने के बाद फिर हम इसे ओपनर की सहायता से, या ओपनर नहीं है तो आप एक पेज होगा उसमें ये माइनस वाला पेज पे इसे इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद तो इसका जो वाईफाई और ब्लूटूथ का एक ही होता है, तो इसे ये खराब हो चुकी है तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अलग से जो एडाप्टर आता है उससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें इसे रिमूव करना होगा। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो आप इसे दूसरा डाल सकते हैं, तो ये मेरे पास है नहीं, तो इसे हम बिल्कुल ही निकाल देंगे।
तो इसे इस तरीके से, ये वाईफाई और ब्लूटूथ का एक ही होता है, तो ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है और ये शॉर्ट हो चुका है, तो इसे निकाल देना होगा। इसकी वजह से अलग से जो एक्सटर्नल राउटर होता है उससे भी नहीं चल रहा है, तो उसे हमने इसे निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद ये सही से चलने लगेगा और इसका जो लेग्स हैं, लेग्सों को टैप से या उससे लगा देना होगा, क्योंकि जी आप उसमें टच हो जाएंगे या मदरबोर्ड पर, तो इससे मदरबोर्ड शॉर्ट होने का खतरा रहेगा। इससे मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है, तो इससे इस तरीके से लगा देंगे। अब हमें जिस तरीके से था इसे हिसाब से लगा देना होगा, और ऐसे पैनल, अरे उल्टा उल्टा लगा रहा हूँ, देखभाल के लगाना होगा। जैसे अभी मैं गलती कर दिया, इस तरीके की गलती ना करें, जरा सी गलती से बहुत लंबी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा ना करें, ऐसा करने से लंबा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है, और ऐसे फिर आगे को बढ़ा देंगे। ये कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे इस तरीके से लगाना है। ऐसे इस तरीके से इस तरीके से लगा देना होगा। एकदम सही से अच्छे से खिंच गया है, और फिर इसका जो था वो खराब निकल, इसके जो बड़े बड़े पेच हैं तो इस मोटे से, तो इसे इस यहाँ कुन्ने पे लगेंगे। अरे एक ये दो पेच एक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हाई भी अधिक मोटे होते हैं, तो इन्हें इस तरीके से लगा देना होगा। पेच का जो भी पेच हैं उनका साइज देख के ही लगाएं। अब ये कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल एकदम फिक्स हुआ है। बैटरी को इस तरीके से लगा देना होगा, बैटरी लग चुकी है, अब इसे हम ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है, ये ब्लूटूथ का एडाप्टर है, फिर इसे लगा देंगे। लगाने के बाद फिर देखते हैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होगा या नहीं, अगर नहीं होगा तो हमें दूसरी डिवाइस से इसके दूसरा ब्लूटूथ एडाप्टर है उसे लगाने के बाद फिर हम देखते हैं। और उसका जो वाईफाई का जो ब्लूटूथ और वाईफाई का एक ही कार्ड होता है वो निकाल दिया, तो हमें इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई का अलग दोनों एडाप्टर लगाना होंगे, और फिर ये ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों चालू हो जाएंगे। कभी कभी इसी प्रॉब्लम से इसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है, तो आप भी इसी वीडियो के माध्यम देख कर अपने लैपटॉप का ब्लूटूथ या वाईफाई नहीं चल रहा है तो इसे हार्डवेयर कर, इसे चेंज कर या निकाल कर इसे